पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच कोरोना का कहर जारी है। इसकी चपेट में आकर एक प्रत्याशी ने अपनी जान गंवा दी है। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रिजाउल हक का गुरुवार को एक प्राइवेट अस्पताल में निधन हो गया। कोरोना संक्रमित होने के बाद से ही रिजाउल हक का कोलकाता के प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था। बंगाल प्रदेश कांग्रेस के सचिव रोहन मेहत्रा ने कांग्रेस प्रत्याशी रिजाउल हक के निधन की जानकारी शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार रिजाउल हक का निधन कल रात कोरोना की वजह से हो गया। हम जिस वास्तविक का सामना कर रहे हैं उसको समझिए, इस साल जिंदा बचिए। कांग्रेस प्रत्याशी रिजाउल हक की मौत ऐसे समय हुई है जब राज्य में चार चरण के चुनाव होने बाकी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। बुधवार को पश्चिम बंगाल में 5,000 से नए मामले आए हैं और 24 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 2,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। चुनाव के दौरान कोविड नियमों का पालन न करने पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अख्तियार किया है। आयोग ने शुक्रवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कांग्रेस इस बैठक में सभी दलों से कोरोना गाइडलाइन के पालन को लेकर चर्चा करेंगे। इस बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अख्तियार किया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने जिलाधिकारियों से राजनीतिक कार्यक्रम में कोरोना की स्थिति पर नजर रखने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि बंगाल में चुनावी कार्यक्रम के दौरान कोरोना नियमों की सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और चुनाव अधिकारियों की ही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए धारा 144 भी लागू कर दें।